Hey, 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 it's your poker guy and we are back with another hand explanation and आज किंग्स के साथ अपन ने क्या किया उसकी बात करेंगे और अपन को क्या करना चाहिए था वो आप नीचे कॉमेंट करके बताइए सो बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो अगेन वी आर प्लेइंग थ्री टेबल्स ऑन बल्लेबाजी एंड येस वी आर डेल्ट पॉकेट किंग्स पॉकेट किंग्स देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और एक दर्द होता है कि यार एस मत दे देना फ्लॉप पे या कभी आगे भी तो यहाँ सब ने फोल्ड कर दिया

आई एम थिंगकिंग के चलो ठीक है मैं प्री फ्लॉप रेजर भी हूँ आई एम गोट अ कंटिन्यू बैटिंग योर एंड सो आई डिसाइड कि चलो ठीक है अपन बैट करेंगे एंड वी डिसाइड दैट वी आर गोट बैट एंड अगेन वॉट वी डू इज वी स्टिक टू गर के फिफ्टी परसेंट थोड़ा कम पॉट को बढ़ा रहे हैं यहाँ मैं थोड़ा बड़ा बैट कर सकता था आइडली या फिर मैं चेक भी कर सकता था एस एक्चुअली मैं चेक कर सकता था यहाँ बट मैंने ये सोचा नहीं मैंने कंटिन्यू किया बैट करना बट वांस एन एस इज देयर आई शुड हैव नॉट गॉन फॉर दिस बैट आई गो फॉर एट बिग्स एंड वाई एन डब्ल्यू ए क्या पता वो ब्लफ कर रहा है या फिर वो स्पॉट ले रहा है या उसका एस था तो अगर एस था तो उसने फिर फ्लॉप पे कॉल क्यों किया लेट्साइड्स टू जस्ट कॉल एन ही डिसाइड्स टू कॉल आई एम थिंकिंग क्या पता है इसके पास एस नहीं है ये सोच रहा कि चल मेरा क्वीन्स विल गेट देर इसके पास क्वीन कुछ हुई क्वीन एक्स हुआ तो इट माइड गेट देर सो आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट ह्यूर एंड नाव मेरे लिए अच्छा हो गया कि एट ऑफ हार्ट आ गए आप

यहां मुझे कॉल करना चाहिए एंड ही शोज ए क्वीन मुझे दर्द हुआ थोड़ा कि यार आई डिड नॉट प्ले दिस वेल एंड ही प्लेड वेल उसने अच्छा वैल्यू निकाला सो मे बी विथ किंग्स देर आपको स्टार्टिंग से ही मे बी वी टर्न पर जो मैंने एट विक्स का बैट किया था मुझे वहां स्लो डाउन कर देना चाहिए था ताकि पॉट को मैं इतना ग्रो नहीं करता सो दिस इज द लर्निंग फ्रॉम दिस हैंड ए किंग्स हो तो एस एक लर्निंग ये है कि जब किंग्स हो आपके पास तो पोकर वाले भगवान एस तो डालने ही वाले हैं और आपके हाथ में ये होता है कि आपको पॉट की साइज को कंट्रोल करना है थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू लाइक द वीडियो